और दोस्तों कैसे हो आप लोग। दोस्तों वक्त हो रहा है शाम का और दोस्तों आज की बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। अगर दोस्तों आप धोनी को चाहते हो और दोस्तों आप मानते हो धोनी को बड़ा खिलाड़ी तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक। और दोस्तों हाँ एक चीज, काफी दिन से धोनी चर्चा में चल रहे हैं। कोई बोल रहा है कि धोनी को संन्यास ले लेना चाहिए, कोई बोल रहा है कि धोनी को संन्यास नहीं लेना चाहिए। एक और टाइम तक जो आने वाला T20 है, कम से कम उस टाइम तक तो धोनी को टीम में रहना चाहिए और टीम का साथ देना चाहिए। मगर दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक्चुअल में इस टाइम पे जब से वर्ल्ड कप को टीम इंडिया हारी है 18 रन से न्यूजीलैंड के खिलाफ, तब से दोस्तों धोनी हैं काफ़ी निराश हो गए हैं। इसी कारण से दोस्तों उनने यहाँ पे टीम से दो महीने की छुट्टी मांगी थी और वहाँ पे टीम ने उनकी नहीं, और उनके जो विराट कोहली कैप्टन है और BCCI के अध्यक्ष हैं MSK प्रसाद, उनने 2 महीने की छुट्टी दे दी है और इस टाइम वो आर्मी कैंप में ट्रेनिंग ले रहे हैं। और दोस्तों खबर सुनने में तो यह आ रही है कि जब वो 2 महीने बाद आर्मी कैंप से वापस आएंगे तो हो सकता है कि संन्यास का अनाउंसमेंट कर दें और दोस्तों संन्यास ले लें। मगर दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है वो तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। मगर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि वो संन्यास ले लें, मगर दोस्तों मुझे तो नहीं लगता। पर्सनली यार मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि धोनी अभी संन्यास लेने वाले हैं। वो दोस्तों लगता है कि वहाँ पे मतलब फिट होने के लिए गए हैं, मतलब उनको कोई डाउट होगा तो वहाँ पे आर्मी में इसीलिए गए 2 महीने के लिए ताकि वो फिट हो जाएं और अच्छी तरीके से और आने वाली T20 में बहुत ही बेहतर प्रदर्शन करके और दोबारा से T20 वर्ल्ड कप इंडिया को दिला सकें। और दोस्तों आपकी क्या राय है आप नीचे कमेंट में बता सकते हो, क्या धोनी संन्यास ले सकते हैं या फिर दोस्तों नहीं ले सकते हैं, या फिर दोस्तों धोनी को इंडिया की तरफ से और खेलना चाहिए, या फिर दोस्तों संन्यास लेने में ही सबकी भलाई है। दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और दोस्तों ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और दोस्तों आपको नीचे कमेंट तो करना ही करना है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था, हम मिलते हैं आपसे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दोस्तों देखते रहिए माई सरकारी न्यूज़।